ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई में घायल हुए युवक का मुद्दा अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। समर जमाल अंसारी के मुद्दे पर अब MIM के वारिस पठान मुमरा आ रहे हैं। मुमरा पुलिस स्टेशन में MIM और NCP आमने सामने होने के बाद MIM के सैफ पठान ने अब ट्रैफिक विभाग पर कार्रवाई को लेकर मैदान में उतर गए हैं। सैफ पठान ने वारिस पठान से मुलाकात की और वारिस पठान ने इस मुद्दे पर अब मुमरा आने की तैयारी में है। तमाम मुमरा के वासियों को मैं अपनी जानिब से कहना चाहता हूं कि अभी सैफ खान और उनके वालिद मुमरा के काफ़ी ज़िम्मेदार लोग मेरे आए हैं और इन्होंने मुझसे कहा कि एक ऑफिसर है वहां पर ट्रैफिक के लंबाटे साहब, वो काफ़ी तकलीफ दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बेबुनियादी काम हो रहा है, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, उठा उठा के अंदर डाल रहे हैं। तो मैंने फौरी तौर से कमिश्नर साहब जो है थाना के पंसलकर साहब उनसे बात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया इन सबके सामने कि मैं इमीडिएटली 2-3 दिन में जो भी उचित स्टेप होगा लूंगा और ये देखूंगा कि इस तरह की धांधली दादागिरी बंद हो। और मैंने कहा साहब जल्दी से बंद करिए नहीं तो इंशाल्लाह वारिस पठान खुद आएगा चाय पीने आपके साथ, 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। यानी अब ट्रैफिक का मुद्दा राजनीतिक बन चुका है। सभी MIM और NCP के दोनों नेता क्रेडिट लेने की होड़ में है। ऐसे में अब वारिस पठान भी ट्रैफिक विभाग के कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और इस मुद्दे पर मुमरा आने वाले हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।